हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल mahagurus.com में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग लॉन्ग डेट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे एंटर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इसमें हम लोग टाइम इंसर्ट करते हैं और उस टाइम को कैसे एडिट कर सकते हैं। आज देखेंगे कि कैसे हम लोग करेंट डेट इंसर्ट करके और उसको एडिट करना कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या मल्टीपल ऑफ सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे सबसे पहले होम में जाने के बाद, इस नंबर पे क्लिक करने के बाद, इस लॉन्ग डेट पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो लॉन्ग डेट पे बेस्ड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अभी शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, और अभी ये क्या है कि आपको शॉर्ट डेट दिखा रहा है, 9th month 14th day एंड 2019 ईयर। लेकिन अभी जब एंटर करेंगे तो ये लॉन्ग डेट आ जाएगा। डेट नहीं दिखा रहा है ये, अब क्या दिखा रहा है, डे कौन सा है। ठीक है, डबल एंटर करेंगे तो डेट भी आ जाएगा। डेट क्या है, 19 है, डे कौन सा है, सैटरडे, सेप्टेम्बर मंथ, 14th day है, ठीक है, और 2019। इसमें डे क्या है, सैटरडे है, डेट क्या है, 14 है, मंथ कौन सा है, सेप्टेम्बर है, सेप्टेम्बर कौन सा मंथ है, 9th month है, और 2019। अब आपको दोस्तों इसको अगर एडिट करना है तो क्या करेंगे कि डबल क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि ये 14 था, अभी यहाँ पे हम लोग 15th कर देंगे। तो 14 क्या था, सैटरडे था, अब 15 क्या है, संडे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली आप चेंजेस बाकी उस सेल में भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ठीक है दोस्तों, और आप सिमिलरली इस इन सारों को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।